नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। साइन कुलीवाड़ा की कांग्रेस की युवा नेता अमित जगन्नाथ सेठी ने अपना जन्मदिन अपने कार्यालय पर अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों के साथ धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अपने हाथों से गरीबों को भोजन बांटा तो वहीं बच्चों को चॉकलेट बांटा। अमित सेठी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी क्षेत्र में लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि हर धर्म, जाति, उम्र के लोग उनके कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिनमें भारी संख्या में महिलाएं थी और अमित सेठी को शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद लोग दे रहे थे। यही नहीं, शुभचिंतकों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते देकर, साल पहनाकर सम्मानित कर उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। अमित सेठी ने हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर सभी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। पूछा कि उन्होंने अपना जन्मदिन अपने कार्यालय पर क्यों मनाया तो क्या कहा अमित सेठी ने, आपको सुनवाते हैं। घर पे ना मना के यहाँ कार्यालय में मनाया, क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण ये है कि यही हमारा परिवार है, ये पूरा परिवार, जैसा मेरे पिताजी ने बोला है कि सायन कोलीवाड़ा के सब बच्चे, पूरे बस्ती के जितने लोग हैं वो हमारे परिवार है, तो ये भी मेरा परिवार, इस परिवार के साथ ही तो मना रहा हूँ। आज जिस तरह से लोग यहाँ, बच्चा बूढ़ा जवान, हर तरह जात धर्म वर्ग के लोग उभरे आपके जन्मदिन पे, आपको साल, मिठाई, चॉकलेट, कैसा लग रहा है अब आपको? कैसा लगे मेरे को, ये लोग का जो प्यारी है, ये प्यारी है जो मेरे को ताकत देता है और यही प्यार से मैं जोर से काम करूंगा। हमारे पास तो पूरे लोगों की फौज है, तो बहुत कम लोगों को मालूम है जिसको मालूम है जो आए, नहीं तो और भरपूर लोग आ जाते थे।
लेकिन आज जिस तरह की फौज आई उससे कहीं ना कहीं संकेत भविष्य का मिलता है कि आप अपना जनाधार और ऊपर लेके गए। जनाधार पहले से ही ऊपर ही था। जगन्नाथ शेट्टी के काम पूरे सायन मतदार संघ में सब जगह है, गली गली कुचे कुचे में, उस कार्य को ही मैं आगे लेके जा रहा हूँ। कभी भी असली और नकली में काम में तो फर्क रहता ही है, बराबर कि नहीं? आज क्या कहेंगे जो लोग यहाँ आए उनके लिए कैसे आभार व्यक्त? मैं उनका हमेशा के लिए आभार व्यक्त हमेशा रहता ही हूँ। आज जो लोगों ने दिखाया है कि प्यार वो भी हमसे इतना ही करते हैं। अमित शेट्टी के बारे में जितना कहो उतना ही कम है, क्योंकि उनके पिताजी और माताजी का जो उनको संस्कार मिला है उस संस्कार के माध्यम से, और कांग्रेस परिवार जो सब जात धर्म को लेकर चलता है, आज वही प्यार यहाँ पे अमित शेट्टी को आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। जिस तरह से आज भीड़ उमड़ी उससे कहीं ना कहीं अमित शेट्टी का एक अलग पहचान बनती नजर आ रही है पिताजी के बाद। अमित शेट्टी की पहचान एक अलग ही है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप का जो विरासत है, जो विरासत में उनको मिला, उनके पिताजी हमेशा मुंबई कांग्रेस के अलग अलग पदों पर रहे, और मुंबई कांग्रेस के पदों पर रहने के बाद भी सायन कोलीवाड़ा का जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया, उस नेतृत्व को की कमी आज वो खलने नहीं दे रहे। जो समाज गरीब तबके का, दलित, वंचित, जो भी शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज जो भी था, वो हर समाज आज उसी तरह से कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ शेट्टी नहीं रहे ये कहना ही उचित है, जगन्नाथ शेट्टी हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। मैं अमित सर को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं कही, बहुत अच्छा लगा। और शेट्टी साहब नहीं है उसकी कमी अमित सर पूरा कर रहे हैं। बहुत हम जब से शेट्टी साहब हमारे आए हैं, हमारे भाई साहब हैं, उनके बाद अमित सर बहुत हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है, और हमेशा इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे भी, तरक्की भी देंगे। हमारे हमेशा जन्मदिन की शुभकामनाएं। अमित से इससे खुशी से रहेगा मेरे बच्चे। जगन्नाथ शेट्टी साहब का पूरा नाम करेगा और खुशी है, अच्छे से आवे अमित सर का, के लिए हम लोग रास्ता देख रहे हैं। दादा कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ अमित शेट्टी के जन्मदिन पे आके, और यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत प्यार उनके प्रति उमड़ा है, क्या कहते हैं? अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।